सभी दर्शकों को ज्ञानपुर के निवासी का नमस्कार। आई हूं मैं लेकर एक कहानी, आई हूं मैं लेकर एक कहानी, मेरा किस्सा मेरी जुबानी। ज्ञानपुर है गांव हमारा, ज्ञानपुर है गांव हमारा, बहती निकट ही जमुना की धारा। शिक्षा से था कोसों दूर, पढ़ो तो बोले क्या बनोगे हुजूर। लेख लिखाई सब मोह माया, जाने कितनी सुविधाओं से वंचित था गांव सारा। लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा, सब में बेचैनी विचलित मन जैसा। कैसे बदली है सबकी भाषा, आओ तो जाने हुआ क्या ऐसा। A for apple, B for ball, C for cat. Thank you. यहाँ क्या कर रही है? मैं पढ़ाई कर रही हूँ पापा जी। पढ़ाई कर रही है, काम धाम नहीं है। जाओ गाय को चारा दो, चूल्हा जलाओ। पढ़ाई कर रही है, पढ़ के ही मेरे माथे पे बैठना चाहती है। देखो बिनोदवा क्या हो रहा है। अब मैं भी चलता हूँ खेती करने खेत में। पोस्टमैन, अरे बेल हो क्या, दिखाई नहीं देता है। अरे क्या करे भाई, सुबह से डाक बांटते बांटते थक गए हैं। तो बांटो। अरे तुम्हारा भी एक ठो डाक था। मेरा? हाँ, मेरा डाक? हाँ तुम्हारा ही नाम मोहन कुमार है ना। हाँ मोहन तो मेरा ही नाम है। लीजिए ये आपका ही डाक है। मेरा डाक? लाओ एक तो साइन कर दो। ये साइन का होता है? अरे अंगूठा दे दीजिए। अच्छा चलते हैं। राम राम, चार को डाक और बांटना है। जय राम जी की। राम राम। अरे रामवीर, इस सुबह सुबह आप काला चश्मा पहन के किधर चल दिए? अरे मोहन भाई। हाँ, हाँ। अरे मोहन भाई, सुंदर इतने दिनों के बाद मिले, कहाँ थे अब तक? वो इतना सुंदर काला चश्मा। अरे ये काला चश्मा नहीं जानते इस काले चश्मे के बारे में? ये बहुत बड़ी कंपनी का है चश्मा, बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा है। और जानते हो कौन लाया है चश्मे को? कौन लाया? अरे मेरा साला लाया है। जानते हो कहाँ रहता है? कहाँ? मुंबई में रहता है। मुंबई में? बम्बई? यस बम्बई में रहता है। और किसके साथ रहते हो पता है? ना ना। बच्चन भाई के साथ रहते हो। बच्चन भाई को पहचानते हो? बच्चन? अरे छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ मोहन भाई इतने उदास दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो राम भाई, ये सुबह सुबह जो है ना डाकिया एक चिट्ठी थमा दिया हाथ में। हाँ चिट्ठी? हमको तो पढ़ना नहीं आता, जरा पढ़ के सुनाओ। अरे चिट्ठी पढ़ना कौन सी बड़ी बात है भाई, तो देखो अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ा ये भाई, माफ करना, प्रॉब्लम है। का प्रॉब्लम? बहुत एक बड़ी समस्या है भाई। का प्रॉब्लम? ये रखो अपना चिट्ठी। हाँ बहुत दिक्कत है। अच्छा चिट्ठी का प्रॉब्लम? दिन में नहीं, मेरे को सुबह में दिखाई नहीं देता भाई। सुबह में दिखाई नहीं देता? नहीं देता है। एक्चुअली अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना, ये दिन में ये जो है ना ये चश्मा सिग्नल नहीं दे रहा है अभी, पता नहीं। चश्मा सिग्नल? कैसा चश्मा का? माफ करो भाई, हम चले, हम सामने आके पढ़ देंगे। पढ़ना लिखना तो नहीं आता, बन रहा कस कहीं। भाभी कहाँ चल दिए आप? हम क्यों आए हैं जानते हो ना? हमारे प्रधान जी ने कहा। अच्छा? अगर आज हम यहाँ दिख गए। अच्छा? तो सरकार से बोल के हमारी तनख्वाह लगा देंगे। ओहो तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है मोहन? बीबी ने घर से निकाल लिया है क्या? ना ना ना, मेरी लुगाई तो महके गई हुई है। ओ तो ये देखो ना भौजी, एक चिट्ठी आया, जरा पढ़ के बताओ। ए
अरे मोहन। हाँ पढ़। पढ़ेंगे। पढ़। पढ़ेंगे। अच्छा पढ़। पढ़ो जी जल्दी पढ़ो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ पढ़। कहाँ गई? पगला गई हो का? अरे मोहन। हाँ। काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ। हमसे नहीं होगा ये सब, ये तो तू किसी पढ़े लिखे आदमी से ही करवा ले। अच्छा? मैं तो सली राम राम। अच्छा बिमला देवी जैसा हो हमारा नेता कैसा हो? बिमला देवी जैसा हो हमारा नेता कैसा हो? बिमला देवी जैसा हो। मोहन बा, क्या हाल बा? हाँ ठीक है बा। तो नेता जी यहाँ कैसे आना हुआ? अरे आपको नहीं पता, अगले हफ्ते मुखिया जी के चुनाव है। अच्छा चुनाव? हाँ, हाँ। पता है ना? हाँ। वोट किधर डालना है? अरे आप चिंता ना करो नेता जी, आप तो देव मानुष हो, वोट आप ही के उधर जाएगा। अच्छा, अगर आप सब गांव वाले हमें वोट देंगे और हमें जिताएंगे तो गांव की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट हैं, हम सभी को चुटकी में दूर कर देंगे। अच्छा नेताजी, अभी के लिए थोड़ा ये संकट ठीक कर दो। हाँ बताइए बताइए। चिट्ठी आई है, थोड़ा इसको पढ़ के बनाओ। चिट्ठी? चिट्ठी? ओ अभी देखा कि मिनिस्टर जी का फोन आया है, हमें मीटिंग है, मीटिंग के बाद आते हैं और पढ़ते हैं हम। हमारा नेता कैसा हो? बिमला देवी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिमला देवी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिमला देवी जैसा। पिताजी आप पानी पिएंगे क्या? ना बेटा। क्या हुआ पिताजी, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, देखो ना सुबह ये चिट्ठी आई हुई है, पूरा गांव में इसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। एक बार पिताजी दिखाइए तो मुझे। तू? हाँ। अरे पिताजी ये तो हिंदी में है। तुझे हिंदी पढ़ना आता है? हाँ। अच्छा पढ़ो पढ़ो। हाँ मैं पढ़ती हूँ। प्रिय दामाद मोहन, ये चिट्ठी तुम्हारे सास ससुर। सास ससुर? सास ससुर? सास ससुर? अरे मोहन भाई, अरे चुप रहो। सास ससुर क्या हुआ? चुप रहो। हाँ आगे छोड़ो बेटा। ये चिट्ठी तुम्हारे सास ससुर के घर से तुम्हारे धर्म पत्नी। धर्म पत्नी? अरे धर्म पत्नी? अरे भाभी क्या क्या तुम्हारे? शांत रहो, क्या हुआ? शांत रहो, शांत रहो, शांत पढ़ने दो। ये चिट्ठी तुम्हारे सास ससुर के घर से तुम्हारे धर्म पत्नी की खबर लाया है, तुम्हें दो जुड़वा बच्चे हुए हैं। जुड़वा बच्चे? दो बच्चे? बधाई हो, बधाई हो। चुप रहो। तुम्हारे दो जुड़वा बच्चे हुए हैं और जल्दी से पुआ और मिठाई लेके बुलाया है। अच्छा पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए, पढ़ाई बेटियों का अधिकार है, सरकार भी अभी बहुत कुछ कर रही है बेटियों के लिए। अच्छा तो मोहन बाबू। हाँ। ये जरा। अच्छा शिक्षा एक विशेष अधिकार ही नहीं बल्कि एक मानव अधिकार है। अच्छा और इसको जाति लिंग धर्म आदि से जोड़ा जाना या भेदभाव करना न केवल इन मानव अधिकारों का हनन करना है बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। हाँ। तो आज से एक प्रण लीजिए कि पढ़ाई को खूब महत्व दोगे। अच्छा। और अपनी बच्ची और दोनों जुड़वा बच्चों को खूब पढ़ाओगे। अच्छा तो आज गांव वालों मैं आपके सामने प्रण लेती हूँ कि पूरे गांव में हर गली में स्कूल खुलाएंगे और पूरे गांव को साक्षर बनाएंगे। तभी तो हमारी भारत सरकार ने शिक्षा अभियान चलाया है जिसका नारा है पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत पढ़ेगा भारत।